सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर मसूरी कैंपटी रोड के एक 5 सितारा होटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सेशेल्स के राष्ट्रपति के दौरे के बीच मसूरी और कैंपटी के कई रूट डाइवर्ट किए गए। वहीं मसूरी में डैनी फॉरे के दौरे के दौरान ट्रैफिक अव्यवस्था भी देखने को मिली, जिसकी वजह से घंटों तक पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किंग्रेक पर रोका गया। सैलानियों और स्थानीय निवासियों को इस बीच काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये बिल्कुल सही बात है, हालांकि सेशल्स के राष्ट्रपति मसूरी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं कि हमारे शहर में आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो व्यवस्था करी, पुलिस तो दुनिया भर की इकट्ठी करती है, लेकिन जो मुख्य मोड़ है जहाँ से गाड़ियों को आना जाना रोकना चाहिए वहाँ से नहीं रोकना, सारी गाड़ियाँ किंग्रेक मारी और यहीं हुजूम लग रहा है गाड़ियों का, जबकि राष्ट्रपति को इसी मार्ग से जाना है। और जब उन पुलिस वाले से कुछ कह भी रहे हैं कि भाई तुम वहाँ बड़े मोड़ पे किसी को आदमी को भेजो, वहाँ से धनुटे धरन जाने के लिए वहीं से कर दो, तो किंगरेक में गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी से चले और किंगरेक में जाम लग रहा है। देखिए, सेशल के राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है मसूरी में 26 और 27 जून का, जिसके लिए ट्रैफिक की काफ़ी पॉइंट्स पर डाइवर्जन किया गया है। शहर देहरादून की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को कई पॉइंट्स पर डाइवर्ट किया गया है ताकि वो मसूरी जो है डाइवर्ट होकर पहुँचे। साथ ही साथ कैंपटी फॉल्स की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है मसूरी लाइब्रेरी चौक की ओर, उसको सीधा देहरादून की ओर भेजा जा रहा है। जब वीआईपी का मूवमेंट रहेगा उस समय ये जो डाइवर्जन है वो करवाई जाएंगी। वीआईपी की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये डाइवर्जन जो है एसेंशियल हैं, और जब वीआईपी का मूवमेंट होगा उस समय ये डाइवर्जन की जाएंगी। जैसे ही वीआईपी का मूवमेंट समाप्त हो जाता है ये डाइवर्जन समाप्त की जाएंगी। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट।